वेलकम टू कुकिंग स्मार्ट में हूँ अनामिका। मैं बताने जो नवरात्रि स्पेशल पे गरी मखाना का प्रसाद किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने गरी ले ली, मखाना ले लिए, घी ले लिया, चीनी ले ली है। तो गरी को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक नारियल का गोला लिया है और मैंने 1.5 कप मखाना लिया हुआ है। तो ये गरी है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। बस देसी घी में इसको एक बार हल्का सा फ्राई कर लेना, जिससे कि जब खाएंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसको 1-2 मिनट तक किसी तरीके से फ्राई कर लेना है, जब तक कि हल्के से सुनहले ना हो जाए। चलाते रहना है जिससे कि ये जले नहीं बिल्कुल भी, और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन होने तक दिखते रहें। बस लाइट गोल्डन ब्राउन करिएगा, ज़्यादा नहीं। अब फिर घी थोड़ा सा लेना है, इस गरी को भी अच्छे से इसमें 1-2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है। और एक बार बना के देखिएगा, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और माँ दुर्गा के लिए प्रसाद भी बना सकते हो। बस चीनी है इसमें, थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और बस इसकी नॉर्मल से चाशनी बना लेनी है, ज़्यादा नहीं करना। बस 3-4 मिनट तक इसी तरीके से बना लेना, जिससे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चाशनी बनकर रेडी है। बस क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को इसमें डाल देना है और गैस ऑफ कर देना है। और बस इसको 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे, 2-3 मिनट तक। और ये जो इसकी चाशनी है ये अच्छे से ड्राई होने लगेगी और इसकी कोटिंग जो है बहुत अच्छे से होने लगेगी। तो ये देखिए चीनी जो है वो ड्राई होने लगी है, तो इसका मतलब ये बनकर रेडी हो रहा है बिल्कुल। तो आप इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी बनाए। बाय बाय फ्रेंड्स।